हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 प्रैक्टिस पेपर सेकेंड विषय अंग्रेजी कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द सभी विषयों के कक्षा 10 के प्रैक्टिस पेपर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिस पेपर देना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो जाती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस प्रैक्टिस पेपर को अभी से अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से अच्छे से शुरू हो सके। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों के लिए निर्देश। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। और तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD हैं, इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपके सही उत्तर का चयन करना है। और यहाँ पर चौथा निर्देश है, विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द वर्ड ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि यह किसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी इन आंसर को नोट करते जाएं क्योंकि यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम केवल इनके आंसर आपको बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा रेन ऑफ्टर। इसके बाद यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चंस का, इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप जल्दी से नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें आपको खालिस्तान दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन ग्रीड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा पीपल यूज। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात देम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको बताना है, 15वें क्वेश्चन में यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ड द कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा
बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका अर्थात आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आर प्रीपेयर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एनी वेयर एवरी वेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको रीड द स्टोरी गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको अच्छे से रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इन द नाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, गिव हिम अ चांस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रीड द पोस्टर गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पर आपको एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताना है। तो इस पोस्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बताना है रेट द पैसेज गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एट 4:40 PM। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को अभी से अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताया गया कि रीड द पैसेज गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट वैल्यू। यहाँ पर आपको एक पैसेज दी गई है, इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि रीड द पोस्टर गिवन वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फेलो। नीचे दिए गए पोस्टर को यहाँ पर आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस पोस्टर को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा विट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ए आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑफ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके
जो आपको 70 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टेस्ट पेपर में, आपके पूरे के पूरे सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।